ग्वालियर घराने के बड़े नाम उस्ताद गुलाम हुसैन शगन के पोते हैं मुस्लिम शगन, उनसे दरख्वास्त की तशरीफ लाएं। ये अजान पे हम रुक गए तो एक बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब आखिरी खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया दरबार यजीद में, तो वो जो बातें की उन्होंने, यजीद नहीं चाह रहा था कि बाकी लोग सुने, तो उसने 15-15 मौज़िनों से कहा कि अजानें शुरू कर दो ताकि अली बिन ज़ैनुल आबिदीन की आवाज़ सुनाई न दे। तो जब उसने कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि यजीद ये देख लीजिए किसका नाम है और इनकी औलाद कौन है जो यहाँ आज खड़ी है। बवाज़े बुलंद सलावात जिस घराने का जिक्र चल रहा है उसी घराने ने हमें सिखाया है हक कैसे लिया और दिया जाता है। और उसमें सबसे पहले अगर हम इस महफिल में हक की बात करें तो मासूमीन का सबसे ज़्यादा हक है, जिसमें उस घराने के सबसे छोटे 6 माह के शहज़ादा अली असगर, उन पर एक शेर है आप सबकी इजाज़त के साथ। असगर तुम्हें हम शीर सदा देती है, आओ असगर तुम्हें हम शीर सदा देती है, ऐसी आवाज है जो अर्श हिला देती है, आओ असगर तुम्हें हम शीर सदा देती है, तूने मरते हुए असगर को देखा है मरते हुए असगर को देखा है रुबाब, माँ तो औलाद को जीने की दुआ देती है, माँ तो औलाद को जीने की दुआ देती है, आओ असगर तुम्हें हम शीर सदा देती है। आवाज़ बुलंद सलावात। छोड़ता हूँ मैं वतन, दी को बचाने के लिए छोड़ता हूँ मैं वतन, दी को बचाने के लिए जो किया वादा जल में
वो निभाने के लिए जो किया वादा जल में वो निभाने के लिए छोड़ता हूँ मैं वतन दी को बचाने के लिए कर दिया मजबूर मुझ को करने आया हूँ सलाम कर दिया मजबूर मुझ को करने आया हूँ सलाम जा रहा हूँ करबला वापस के लिए जा रहा हूँ करबला वापस आने के लिए छोड़ता हूँ मैं वतन दी को बचाने के लिए आ गया वो दिन भी शिद्दत से था जिसका इंतजार आ गया वो दिल भी शिद्दत से था जिसका इंतजार बैठी है तैयार ज़ैनब साथ जाने के लिए बैठी है तैयार ज़ैनब साथ जाने के लिए हो गई नाना मुकम्मिल सब मेरी कुर्बानियाँ हो गई नाना मुकम्मिल सब मेरी कुर्बानियाँ आ गया दुनिया में असगर तीर खाने के लिए आ गया दुनिया में असगर तीर खाने के लिए छोड़ता हूँ मैं वतन दी को बचाने के लिए बाबा दे बुलंद सलावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत अच्छा।